हमने इसी तरह की एक मानसून बारिशों के दौरान पीपल्स पार्टी के बिजली के वजीर और फिर बाद में वजीर आजम ने लोड शेडिंग इंतहा पर थी, लोड शेडिंग अरूज पे थी, इंसान झुलस रहे थे। करप्शन से तो इंसान झुलसता ही है, मुल्क झुलस जाते हैं, बदनुमानी करप्शन से तो ये सारा निजाम झुलस जाता है। हमने उनसे गुजारिश की कि लोड शेडिंग कब खत्म हो जाएगी। राजा साहब मुस्कुराए, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, ये हम आपको बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सर बस दुआ कीती रखिया करो, ये बारिश होंगी रहे तो साड़ी भी इज्जत बची रहेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब से भी हम यही तवक्को रखें कि वो अल्लाह के हजूर झुक जाते हैं कि परवरदिगार 2018 तक बरसात चलती रहे, भरम अल्लाह पाक उनका रखता रहे। कि लाहौर में इस वक्त खूबसूरत मौसम, बारिश हो रही है, गर्मी का जोर ख्वाजा साहब की बिजली तो ना तोड़ सकी। ये रब्बे कायनात को मेहरबानी फरमाते हैं और गरीबों की सुनी जाती है। दो रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने बड़ी उम्मीद बंधाई है, उम्मीद बंधाई नहीं बल्कि उम्मीद की बहुत बड़ी किरण रोशन की है कि लोड शेडिंग का खात्मा इंशाल्लाह उनके इसी दौरे के दार में हो जाएगा। हम मियां साहब पे यकीन कर लेते हैं, खुदा के रहे उनके वजीर जो बात कहें वो भी पूरी हो और ये कौम सिर्फ बरसात पे ही दिन ना गुजार दे। देखिए वक्त कैसे बीत जाता है, बीत गए, बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, बिजली आती रहती है चली जाती है, गैस अब हम पहले कतर से, तुर्कमानिस्तान से, कभी ईरान से, हम जश्न मनाते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, सीपेक बन रहा है, रास्ते खुल रहे हैं। बाज़ बहुत दुख होता है कि परवरदिगार हम 70 साल में इस काबिल भी ना हो सके कि चलिए हम दुनिया में तो प्लांट ना लगा सके, अपने घर के चूल्हे भी रोशन नहीं कर सकते, अपने घर के चिराग भी रोशन नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सर्वाइवल की बारी आई है, सुन रहे हैं जहाज नए आ रहे हैं, जहाज आते रहें, चेहरे बदलते रहें, लेकिन जब तक उन बड़े बड़े मोरे जो हैं, सुराख जो हैं, होल्स जो हैं, उनको बंद ना किया जाए, फायदा कुछ नहीं होगा। जनाब वजीर आजम, हमारी दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान फले फूले, हम अपने वसाइल से चाइना के मोटरवे बनाएं, हम अपने वसाइल से मलेशिया में मोटरवे बनाएं, हम उनको बिजली दें जो आज हमें दे रहे हैं। कभी हमारी चीनी दुनिया में बरामद होती थी, आज हम चीनी के मोहताज क्यों हो गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोस्त टेलीविजन की टीम आपके साथ साथ, शाना बशाना, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए दुआ, मुल्क के लिए दुआ, या अल्लाह सानू बिजली दुआ। दोस्त टेलीविजन पाकिस्तान जिंदाबाद।